दोस्तों सब्सक्राइब करें हिंदी एंड्रॉयड टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाए टिप एंड ट्रिक्स की वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हिंदी एंड्रॉयड टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपने अपने मोबाइल में काफ़ी लॉन्चर को यूज़ किया होगा, लेकिन दोस्तों आज जो लॉन्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ऐसा लॉन्चर आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये लॉन्चर सिर्फ 197 KB का है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो फीचर आपको मिलते हैं इसे देखने के बाद आप खुश हो जाओगे। यहाँ पर दोस्तों इस लॉन्चर को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने काफ़ी स्टाइलिश दोस्तों आपको इसका इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है साइड बार, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से आप सभी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट में भी एक साइड बार मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो देखने में काफ़ी स्टाइलिश है और इसे यूज़ करने में दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको इस तरह का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है मेनू, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं दोस्तों तो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साइड में मिलता है सर्च, आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करके आप किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक पैटर्न लॉक की तरह एक ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैटर्न लॉक नहीं है लेकिन ये 9 फोल्डर आपको यहाँ पर मिले हुए। और दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि फोटो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सभी ऑप्शन, फोटोज, कैमरास, गूगल फोटोज, इंस्टाग्राम, जैसे कि दोस्तों यहाँ से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी फोल्डर बने हुए हैं, आप यहाँ पर इन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर मैं जेड टाइप कर देता हूँ पैटर्न, जेड टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ऐड पर। अब दोस्तों यहाँ से आप एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप जब भी Z टाइप करेंगे इस पैटर्न पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आप फिर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, जो ये काफ़ी कूल है दोस्तों, काफ़ी स्टाइलिश है। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी आपका टाइम भी बचेगा और दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करने के एक्सपीरियंस को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और जो भी देखेगा तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने अपने मोबाइल में किस लॉन्चर को इंस्टॉल करके रखा है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ कस्टमाइज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आप सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लेआउट, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इस साइड बार को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस वॉच को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पे इन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लॉन्चर है, आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसे यूज़ करने में। अगर आपको इसे बंद करना है तो आपको होम बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर पर क्लिक करना है तो ये बंद हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसे डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, उसे डाउनलोड कर लेना है, जो कि अभी बीटा में है दोस्तों, तो थोड़े बग आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन और टिप एंड ट्रिक्स की वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।